हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन सो द क्वेश्चन इज हु क्रिएटेड द कॉटन मिल हाउ डिड इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन कॉटन मिल किसने बनाई किसने क्रिएट करी और उससे प्रोडक्शन कैसे इम्प्रूव हुआ लेट्स सी द की कंसेप्ट इज न्यू इनोवेश इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे रैपिडली न्यू इनोवेशन और इन्वेंशन हो रहे थे जिसने प्रोडक्शन प्रोसीजर को बूस्ट किया लेट्स सी आंसर रिचर्ड ऑक्राइट फर्स्ट कॉटन मिल पहली कॉटन मिल रिचर्ड क्रिएट करते हैं is, अब जैसे ही कॉटन मिल क्रिएट होती है इससे बूस्ट मिलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को और कॉस्टली मशीन्स को अब खरीदा जा सकता था सेटअप किया जा सकता था और इनको मेंटेन भी किया जा सकता था मिल्स में थर्ड पॉइंट इज विद इन द मील ऑल द प्रोसेस व्रॉट टूगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेज दिस अलाउड अ मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस ओवर क्वालिटी एंड द रेगुलेशन ऑफ लेबर अब कॉटन मिल के आने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जो प्रोसेस है पूरा प्रोडक्शन का वो एक रूफ के अंडर आ जाता है वो एक जगह सेंट्रलाइज हो जाता है तो मैनेज करने में इजी होता है और मोर केयरफुल सुपरविजन प्रोवाइड करवाता है ऑल्सो केयरफुल वॉच ऑन क्वालिटी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और लेबर्स के ऊपर भी रेगुलेशन लगाया जा सकता है तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर मिल रिचर्ड ऑकरेट क्रिएट करते हैं जिससे प्रोडक्शन को बूस्ट मिलता है आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक